नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत त्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो उदीरयेत् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम् नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन नमः <coughs> मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सभी को धन्यवत प्रणाम श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है वर्तमान में हम सभी स्कंद दो अध्याय चार सृष्टि का प्रक्रम इस विषय को जहां सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की वार्ता को शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों के समक्ष सूद गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हम सभी यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं इस अध्याय में सृष्टि का प्रक्रम पच्चीस श्लोक है और अभी तक हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रथम पांच श्लोकों का करने का प्रयास किया था तो यदि संक्षेप में एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति बहुत ही संक्षेप में पिछले सत्र की की जाए प्रथम पांच श्लोकों की तो सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के मध्य जो वार्ता हो रही है उसके संबंध में शौनक ऋषि सुद गोस्वामी जी से पूछते हैं कि मृत्यु के बारे में मन को एकाग्र करने के बारे में ये सब विषय जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जान लिया तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने क्या किया हम वो सभी प्रश्न समझना हम वो उन समस्त वार्ताओं को समझना चाहते हैं जो उन दोनों के मध्य में हुई और वहां पर सूत गोस्वामी जी महाराज परीक्षित का उद्धरण देते हुए शौनक ऋषि समेत अन्य ऋषियों को उद्बोधित करते हैं और कहते हैं जिस प्रकार आप सभी यहां पर प्रश्न पूछने के लिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए उनकी लीलाओं उनकी कथाओं उनकी रचना और उनके दिव्य दिव्य जो हमारी कल्पना के भी बाहर है ऐसे कार्यों को समझने के लिए प्रखर हो रहे हैं उसी प्रकार महाराज परीक्षित भी सूद गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं तो प्रथम पांच प्रश्न में महाराज परीक्षित ने जो अंत जो हमने पिछले सत्र में देखा उसमें महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं उद्बोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी को कि आप समस्त दूषणों से जो भौतिक दूषण होते हैं कमियां होती हैं कलमश होते हैं उनसे रहित हैं और आपकी बातें मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है क्योंकि वो भगवान की कथा है वो भगवान के बारे में कही जा रही है तो तो सबसे पहले तो प्रश्न पूछने में भी महाराज परीक्षित हम सबको ज्ञान दे रहे रहे हैं हैं वो कह रहे है कि जीवन का अंधकार भौतिक कलमश का जो अंधकार है जिसने हमारी और परमात्मा के बीच में दूरी स्थापित कर दी है वो किस प्रकार से दूर होती है भगवान के बारे में जानने से जब हमें किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता है तभी हम उसके बारे में अज्ञानी कहे जाते हैं और यदि हमें स्वयं का ज्ञान नहीं है, हम कौन है कहां, से आए है, हमें कहां जाना है हमारे किन प्रकार के कर्मों से किस प्रकार की गति बनेगी, क्यों समान परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी व्यक्तियों का अलग अलग भाग्य होता है किस प्रकार से प्रारब्ध बनता है किस प्रकार से कर्मों की गतिशीलता निर्धारित होती है ये हम यदि अपने बारे में नहीं जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर तो इसे अंधकार कहा जाए और महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ के सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि ये समस्त प्रकार का अंधकार भौतिक जगत में किसी भी प्रकार का वहां पर शिल प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिल प्रभुपात जी को कहते हैं कि तुम भौतिक जगत की समस्याओं को यदि भौतिक तरीके से सुलझाना चाहोगे तो उसमें स्वार्थ उसमें लालसा लिप्सा अहंकार अनेकों प्रकार के दुर्गुण स्वतः तो तो गए कर्मों का परिणाम हमें दीर्घ काल तक भोगना पड़ता है तो जहां से सृष्टि का निर्माण होता है संघार होता है जिस स्रोत से हमें उस विषय को वहां से समझना चाहिए तो अब जो वार्ता होती जाएगी श्रीमद भागवतम में वो वास्तव में अध्याय दर अध्याय श्लोक दर श्लोक वार्ता अनेकों मनीषी आएंगे भी इसमें विदुर और मैथ्री आएंगे जितने भी दिव्य भक्त आते रहेंगे रहेंगे कथा अपना जो लय पकड़ेगी उसके केंद्र में सदैव भगवान रहेंगे। या तो तत्व के रूप में या तो लीला के रूप में या भक्तों की महिमा भक्तों के यशगान को और बढ़ाने के लिए दोनों दोनों ही स्थितियों में या तो लीला भगवान की है या तो कहने के लिए भक्तों की है पर नाम रूप यश गुणगान तत्व हम किसका समझ रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अर्थात हम अपने जीवन का भौतिक कलमश, भौतिक कलमश अज्ञान दूर कर रहे हैं तो बहुत बहुत संक्षेप में ये जो है, ये जो अध्याय अध्याय है सुंदर और प्रभुपाद ने बहुत मन से इसके तात्पर्य लिखे हैं क्योंकि अनेकों नेक आचार्यों के उद्धरण को यहाँ पर प्रस्तुत किया जैसा पिछले सत्र में भी हमने देखा था तीन प्रमुख श्रीधर महाराज माधवेंद्रपुरी और हमारे चैतन्य चरित अमृत के उद्धर को श्लोक संख्या पांच के तात्पर्य में यदि आप देखें तो वहां पर बहुत सुंदर रूप से शिल प्रोपात ने प्रस्तुत किया हुआ तीन चार पांच इसमें तो ये संक्षिप्त में पुनरावृत्ति इस अध्याय की जितना हमने अभी तक पढ़ा है सत्र को आगे बढ़ाते हैं और सत्र को आगे बढ़ाने का जो हमारा सामान्य नियम है हम श्लोक दर श्लो, पहले हम श्लोक को कवाचन करेंगे और फिर श्लोक दर श्लोक हम उसको शिल प्रोपात के तात्पर्य से समझने का प्रयास करेंगे तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से जिनके पास पुस्तकें हैं हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपकी रुचि है आप उन पुस्तकों का प्रयोग अवश्य करें अलमारी में रखी हुई पुस्तकें हमारे लिए बहुत श्रद्धा का विषय होती है पर श्रद्धा को विश्वास को हमें प्रयास करते हुए भी देखना चाहिए तो ये पूरे सत्र इसी बात का एक विनम्र प्रयास है कि हम स्वयं के बारे में भा... भगवान के साथ अपने संबंध को समझने के बारे में कितने उत्सुक हैं कितने जागृत हैं और कितनी हमारी निष्ठा है विश्वास और प्रयास दो उंगलियां जो कम पड़ जाती हैं भक्त और भगवान के 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 बीच की दूरी को तय करने में वो इन सत्रों के द्वारा वैष्णवों आशीर्वाद से एक पुनीत प्रयास है और परस्पर एक दूसरे के वैष्णवों के सहयोग से हम इसको यहाँ पर पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इसलिए जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर श्लोगों को दिखाने जा रही हूँ और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि निश्चित रूप से प्रयास कीजिए कि आप जहां से भी से सुन रहे हैं आप इसका वाचन अवश्य करें। तो हम इस समय आरंभ करने जा रहे हैं हम लोग स्कंद दो अध्याय चार श्लोक संख्या छ से टू पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स भूय एव विवित्सामी भगवानात्म मायया यथेदम् सृजते विश्वम् दुर्विभाव्यम् अधिश्वरे यथा गोपायति विभू यथा संचरति यक्षते पुनः याम याम शक्तिमु पाश्रित्य पुरुषक्ति पर पुमान् आत्मानं कृत्यं कृत्यं करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यमी भावाति कवि भीष्चापि चेष्टितम् यथा गुणांस्तु प्रकृते युगपत क्रमशो अपि वा विभर्ति भूरिशश त्वेक कुर्वन कर्माणि जन्मभि विचिकित्सित मितन्मे प्रवीति भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्नात परस्मिन् श भवानखलु सूत उवाच इत्युपामंत्रितो मंत्रितोराज्ञा गुडानो कथने हरे हिशीकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे श्रीशू कुवाच परस्मे पुरुषाय पुरुसाय भूषसे सदुद्भवस्थान निरोधिललया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर भवाय वर्तमने भू नम सद्वृषेद सतासमूर्त पुशा पुनः पारमहंच व्यवस्थिताना मनुमृग्यशुषे नमो नमस्ते स्वृष साता विदूर काष्ठा मुहुकुयोगिनाम्यातिशयन राधसा स्वधाम ब्रह्मणी रंस्यते नमः यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं याद यदर्हणं लोकस्य सुद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण तो हम लोग स्कंद दो अध्याय चार श्लोक संख्या छह से आज का सत्र अब हम लोग श्लोक दर श्लोक उसको समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर महाराज परीक्षित प्रश्न के विभिन्न प्रकारों से प्रयास कर रहे हैं कि वो भगवान के बारे में परम भक्त परमहंस सुखदेव गोस्वामी से क्या कुछ जान सकते हैं तो अंधकार को दूर करते हुए जो जीवन में प्रकाश का मार्ग है उस स्रोत के बारे में पता चल जाने के पश्चात हमें अपनी तरफ से प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हम उस स्रोत से ऊर्जा के स्रोत से अपने आप को जोड़ सकें तो श्लोक संख्या छह में महाराज परीक्षित कहते हैं भूय एवं जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत है तो क्योंकि अध्याय का नाम है सृष्टि का प्रक्रम और महाराज परीक्षित ने जब हृदय में भगवान अध्याय दो तो और तीन की बात हो रही थी जब भक्तिमय पूर्ण सेवा से भगवान की प्राप्ति जब सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे थे वहां उन्होंने जिस विषय के बारे में पूछा था आचार्यों ने उस प्रकार से अध्याय का नाम रखा यहाँ महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडो की भगवान रचना करते हैं सृष्टि करते हैं बड़े से बड़े देवताओं के लिए ये अचिंत्य है तो स्पष्ट रूप से देवता और भगवान अलग अलग हैं। देवता प्रशासनिक अधिकारी हैं जो भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो देवताओं की पदवी निश्चित है ये वित्त मंत्री है ये शिक्षा मंत्री है ये गृह मंत्री है तो हमारे हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों के हिसाब से ये हमारे ऊर्जा मंत्री सूर्यदेव हो गए सूर्य देव जो एक पद है और उस पर जो देवता इस समय इस मनवंतर के लिए शासन कर रहे हैं सूर्य देव की पदवी पर वो हमारे विवस्वान है इसी प्रकार से रक्षा मंत्री हो गए इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री का जैसे पद हो गया हमारे इंद्र देव हो गए वरुण देव हो गए यम देव हो गए तो ये पदवियां हैं तो देवताओं के लिए ये सृष्टि की रचना करना अचिंतनीय है ये उनकी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है जब आचार्य महापुरुष मनीषी जन शास्त्रों में इस प्रकार से देवताओं के बारे में कहते हैं तो इसका उद्देश्य देवताओं के को हीन दिखाना नहीं होता इस भौतिक जगत में मनुष्य जब भूलोक में रहता है और जो नीचे के लोक हैं और जो ऊपर के लोक हैं आदि जीव ब्रह्मा कहे गए हैं और ब्रह्मा से लेकर मनुष्य के बीच में हमारे महरलोक लोक तप लोक स्वर्गलोक ये सब आ जाते हैं ब्रह्मलोक से लेकर भूलोक के बीच में तो जो उच्चतर जीव हैं वो देवता कहे गए हैं मनुष्य अपनी साधना तपस्या से पिछले युगों में हम हम हमने पढ़ रखा है यहां तक कि मनुष्य से नीचे महाराज बलि और ये लोग नीचे के लोग में शासन करते थे वो भी अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं की पदवी इंद्र के पद को वो प्राप्त करना चाहते थे तो महाराज परीक्षित के विषय में महाराज परीक्षित के मस्तिष्क में ये विषय पूर्णतः स्पष्ट है वो सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि मैं भगवान की उन शक्तियों के बारे में जानना चाहता हूँ जिनसे वो इतने दृश्य जो ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है जब हम भगवत गीता की पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट रहता है कि भगवान के श्वास प्रति श्वास से ब्रह्मांडों का सृजन और संहार होता है जब श्वास निर्गत किया तो ब्रह्मांडों की उत्पत्ति जैसे पानी में बुलबुले होते हैं उस प्रकार से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जब उन्होंने श्वास को खींचा है तो ब्रह्मांडों का संघार भी होता है तो यत जो पहला श्लोक था श्रीमद् भागवतम में स्कंद अध्याय एक, एक, श्लोक संख्या एक में वहां पर लिखा है भगवान प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु जो हमें इस भौतिक जगत में दिख रही है अपने आसपास ये भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है तो महाराज परीक्षित जो समझना चाहते हैं वो ये सृष्टि की रचना की प्रक्रिया क्या है किस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें उद्गम पता है कि सृष्टि का उद्गम कहाँ से हो रहा है भगवान से हो रहा है जन्मादेश जन्म रचना करते हैं किस प्रकार से चलाते हैं वो महाराज परीक्षित यहाँ समझना चाह रहे हैं तो जैसे विद्युत शक्ति है हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं जहां से सबको बिजली मिल रही है वहां पे निश्चित रूप से हम सब घर में बटन ऑन और ऑफ किए तो बिजली आ गई इसका अर्थ ही नहीं है कि बिजली अपने आप कहीं से प्रवाहित हो रही है निश्चित रूप से किसी के डायरेक्शन में किसी के निर्देशन में वो संचालन प्रक्रिया को मॉनिटर किया जा रहा है निरीक्षण किया जा रहा है उसकी देखरेख की जा रही है उसी प्रकार से ये सृष्टि जो अपने आप अपने क्रमिक गति से हवा पानी सूरज बादल ये सब नहीं चल रहे हैं इनकी एक क्रमिक व्यवस्था बनाई गई है तो महाराज परीक्षित उस क्रमिक व्यवस्था के विषय में समझना चाहते हैं वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि अलग अलग लोक में अलग अलग, अलग प्रकार की ये जो गति है ये निश्चित रूप से भगवान के द्वारा इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है मुझे समझना ये है कि जैसे एक बार एक बिजली यंत्र जो जो केंद्र है हमारा वो स्थापित कर देने के पश्चात तो उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी होती है प्रतिवर्ष परीक्षा देकर परीक्षार्थी इंजीनियर आ, अलग 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 प्रकार के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं वो उसको और शोधन करके उसका परिसंचालन करके यंत्रों के रख रक रखाव ठीक इन सब कोई व्यवस्था करते हुए उसको संभालते हैं तब प्रत्येक घर में बिजली की यूनिट सप्लाई हो रही है तो सृष्टि के विषय में तो अर्थात तो एक तरीके से वो क्या हुए वो पूरे व्यवस्था के वो कार्यकारी तंत्र यंत्रों को संभालने वाले तंत्र व्यवस्था में वो स्थापित लोग हो गए तो भगवान के द्वारा स्थापित इस, इस पूरी संचालन में जो अनेक प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर शक्ति कहा जा रहा है कि भगवान की किस प्रकार से वो भगवान उन शक्तियों का संचालन कर रहे हैं तो जैसे पीएचडी के स्टूडेंट क्या करते हैं शोधार्थी होते कोई कार्य पहले से हो रहा है पीएचडी में जब हम कहते हैं कि हम शोध कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं हम ये स्थापित प्रक्रिया है हम उसके विषय में समझना चाहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है जैसे कोई मलेरिया पर शोध कर रहा है तो ये इस प्रकार का मच्छर इस, इस, इसी प्रकार का मच्छर मच्छर के काटने से इस प्रकार से मलेरिया क्यों होता है उसके पश्चात शरीर में क्या किया जा सकता है कैसे एंटीबॉडीज बनेंगी इस तरह की बातें जब की जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर महाराज परीक्षित अपने आप को शोधार्थी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो भगवान की आश्चर्यजनक जो सृजनात्मक शक्ति है उसको देख कर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अलग अलग ब्रह्मांड के लोकों में लोगों के रहने का स्तर अलग अलग है मनुष्य पानी पी रहे हैं दूध पी रहे हैं यहाँ पर पहाड़ों की नदियों की प्रकृति की संरचना ही पूरी हम कह सकते हैं अलग प्रकार के यहाँ यहाँ पर परिवहन के अलग प्रकार के साधन है स्वर्ग में हम सभी को पता है कि जो स्वर्ग के जीव हैं उच्चतर जीव हैं उन सब के पास अपना 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 वाहन होता है अपने-अपने प्रकार की क्रिया होती है वहां हम कहते हैं कि वहां किसी को कभी थकान नहीं होती वहां किसी प्रकार की रोग व्याधि नहीं होती यहां अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं वहां भी कुछ समस्याएं हैं वहां देव का युद्ध हमने पिछले युगों में सुन रखा है कि उस प्रकार से होता है तो क्या वो कल ओके okay, इस समय में भी <coughs> हो रहा है किस प्रकार का रहन सहन है तो महाराज परीक्षित जब ये प्रश्न कर रहे हैं, तब उनके मस्तिष्क में ये सब पर है. क्या -क्या? जैसे लोगों के निवासियों लोग के, लोग, लोग के, के मस्तिष्क में भी अनेकों कोटियां है ब्रह्मा जी के लोक के निवासियों की आयु दीर्घ है पृथ्वी लोक के निवासियों की तुलना में ब्रह्मा जी के मस्तिष्क की कोटि के मूल्य से भी तुलना की जाती है तो इस प्रकार अलग अलग स्तर है यहां तक कि यदि हम स्मरण करें तो ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी द्वारा श्लोक संख्या ब्रह्म संहिता पांच दशमलव एक में क्या गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम तो ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं इसका अर्थ यहाँ पर शिल प्रोपा तात्पर्य में लिखते हैं लेकिन उनमें कृष्ण सर्वोच्च है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं तो ब्रह्मा जी जिन्हें इस पूरी सृष्टि का तपस्या करके भगवान से इस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि वो सृष्टि बना सकते हैं वो ये कहते हैं कि अनेक मनुष्यों में भगवान के गुण पाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण उनमें सर्वोच्च हैं क्यों क्योंकि यदि हमें स्मरण हो तो हमने कहा था कि तिरानवे प्रतिशत तक विष्णु के गुण विष्णु में भगवान के गुण हैं भगवान कृष्ण के मैक्सिमम उतने ही जा सकते हैं उच्चतम स्तर पे अठहत्तर प्रतिशत तक ब्रह्मा जी के लिए कहा गया था और चौरासी तक हमारे महेश महादेव के लिए कहा गया है तो चाहे हम भगवत गीता देखें चाहे श्रीमद् भागवतम देखें चाहे भक्तों की आचार्यों की टिप्पणियों को टीकाओं को संहिताओं को देखें विषय जो समझने का है वो ये कि जब जीव के मानसिक स्तर का उच्चतर विकास होता है तो वो भौतिक प्रकृति के साधन नहीं इन भौतिक प्रकृति के पीछे की आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में उसकी जानने की रुचि अधिक बढ़ जाती है तो महाराज परीक्षित यहाँ पर उसी प्रश्न को उसी 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 दिशा में प्रश्न करने करते हुए सुखदेव गोस्वामी से उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं तो अगले श्लोक में श्लोक संख्या सात में महाराज परीक्षित कह रहे हैं यथा गोपाति विभू यथा संयक्षते पुनः याम याम शक्ति मुश्रित पुरुष शक्ति पर पुमान आत्मा करोति विकरोति च कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं तो पहले तो उन्होंने पूछा उनकी शक्तियों के बारे में फिर पूछते हैं कि किस प्रकार भगवान ये निर्णय करते हैं ये कि किस शक्ति को कहाँ लगाया जाए कठोपनिषद दो दशमलव दो दशमलव तेरह में शल लिखते हैं नित्यो नित्यानाम चेतश चेतना नाम भगवान अन्य सभी नित्य जीवों में प्रधान नित्य जीव के रूप में तथा एकमेव परमेश्वर के रूप में यहाँ इस श्लोक में बताए गए।, गए जो असंख्य जीवों का पालन करते हैं एको बहुना नाम यो विधाति कामान चाहे कोई मुक्त जीव हो चाहे कोई बद्ध अवस्था में हो सभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है और प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर महाराज परीक्षित की अपनी विभिन्न शक्तियों और विभिन्न अंशों को किस प्रकार व्यवहार के पालन में वो लगाते हैं तो इसके लिए चैतन्य चरितामृत में भी अन्य जगहों पर भी इसका उदाहरण दिया गया है विस्तार में बताया गया है भगवान की शक्तियों के बारे में श्री प्रभुपाद यह तात्पर्य में बताते हुए भगवान की शक्तियों के बारे में कहते हैं कि भगवान की वैसे तो असंख्य शक्तियां हैं पर उनको अगर तीन समूहों में आ, बांधा जा सके तो वो तीन शक्तियां भगवान की होती हैं अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति सभी जीव हम सभी जीव अर्थात विभिन्न लोगों के सभी जीव भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर आते हैं और उनमें से जो उच्चतर होते हैं जो विश्वास पात्र के स्तर पर होते हैं उनके उनको क्या है सृष्टि का सृष्टि करने का भी कार्यभार सौंपा जाता है जैसे ब्रह्मा जी हो गए मरीचि हो गए उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं तेनी ब्रह्म हृदया तो बहिरंगा शक्ति जो है पहले तो तटस्था शक्ति हो गई फिर बहिरंगा शक्ति हो गई फिर हमारी तीसरी अंतरंगा शक्ति की बात होगी तो तटस्था शक्ति में समस्त जीव आ गए आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि हम मनुष्यों के बीच में से ही अलग अलग देशों में अलग अलग परीक्षाएं जो होती हैं जिसके द्वारा कुछ प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं जिन्हें हम सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं भारत में आई एस आई एफ एस आर एस आई आर एस जो चुने जाते हैं वो क्या होते हैं वो फिर सरकार के विश्वास पात्र बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक निश्चित स्तर को पूरा किया होता है उन्होंने उस प्रकार की परीक्षाएं दी होती हैं तो आध्यात्मिक भगवान की सृष्टि में इसकी बात हम किस प्रकार करते हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ कहा गया जिसने सौ अश्वमेध यज्ञ कर लिया वो ब्रह्म वो इंद्र की पदवी पर बैठ सकते हैं तो सामान्य जीवों में से कुछ विश्वास पात्र बने उन्होंने जितनी तपस्या जितना लेवल आ, का आ, अपनी तरफ से इसे हम कहते हैं कि इन, हमारी तरफ से क्या इंडेवर है जैसे सारका ये लोग कहते हैं भगवान को

उसके पश्चात बहिरंगा शक्ति वास्तव में क्या होती है वो ये सो हम जो समस्त जीव है बद्ध आत्माएं हैं इनके संचालन के लिए बहिरंगा शक्ति बनाई गई है तो एक प्रकार से पहले ये व्यवस्था क्रम बनाया गया एक के बाद एक के बाद एक के बाद, एक के बाद क्रमिक उर्दुगमन की बात हम इस प्रकार से समझ सकते हैं तो इस तरह भगवान स्वयं को ही अनेक रूपों में प्रकट कर रहे हैं और उन रूपों में भगवान की विविधताएं हैं क्योंकि ये ये वास्तव में इंद्रियों इंद्रियों की शक्तियों से इसको समझा भी नहीं जा सकता इंद्रियों की शक्तियों से इसे समझा भी नहीं जा सकता जैसे कि उड़ने वाले पक्षियों में भी सबके पास पंख हैं पर पंखों की मजबूती के अनुपात में वो आकाश की ऊंचाई तय करते हैं तो चील और बाज जितना ऊपर उड़ते हैं उतना छोटी चिड़िया नहीं उड़ सकती या जितना छोटी चिड़िया उड़ सकती है उतना तितली नहीं उड़ सकती या जितना तितली उड़ सकती है उतना मक्खी नहीं उड़ सकती तो कहने के लिए मक्खी कोई पक्षी में आएगी भी नहीं पर मेरा जो ये उदाहरण है समझने समझाने का ये इस क्रम में है कि पंख की मजबूती के अनुपात में ऊंचाई निर्धारित होती है जितनी योग्यता भौतिक जगत का भी यही नियम है जो जितनी योग्यता अर्जित करता चला जाता है भौतिक रूप से उसको उतनी ऊंचाई प्राप्त होती चली जाती है या ऊंचाई प्राप्त करने का जो व्यवहारिक नियम है वो योग्यता के अनुपात में है हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं तो तटस्था शक्ति के अंतर्गत जितने भी जीव हैं हम सभी वो बद्ध जीव कहे जाते हैं हम शक्ति क्यों कहे जाते हैं भगवान भगवान की क्योंकि भगवान ने हमें थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है ये हमारा निर्णय है कि हम अपने आप को खाने सोने जो पशुओं के चार लक्षण है खाने सोने अपने आप को भौतिक सुख देने और अपनी रक्षा करने में अपना जीवन यापन कर दे या उच्चतर मूल्यों को धारण करें या ना करें परिणाम हमें हमने जो चॉइस किए जो निर्धारित अपने लिए चुना है उसी के अनुपात में प्राप्त होगा तो इस प्रकार से भगवान उसके बाद ऊपर बनाया भगवान ने ये विभिन्न अंश दिव्य आकाश में इस प्रकार स्थापित की हुई ऊपर किसको बनाया बहिरंगा शक्ति को तो बहिरंगा शक्ति के द्वारा इन समस्त भौतिक जगत के जो जीव तटस्थ शक्ति वाले के अंतर्गत जो लोग हैं वो कैसा कार्य कर रहे हैं उनको नियंत्रण करने के लिए बहिरंगा शक्ति बन गई तीसरी जो शक्ति है जिसका नाम अंतरंगा शक्ति है वो वास्तव में अलग है और वो आध्यात्मिक जगत के लिए विशेष रूप से प्रशासनिक अधिकारी हम कह सकते हैं एक तरीके से वो आध्यात्मिक जगत की भगवान सदा सर्वदा जिसे एक शक्ति के साथ रहता है तो बहिरंगा शक्ति के साथ में भगवान रहते हुए भी नहीं रहते हैं क्युं? क्यों क्योंकि वो भौतिक जगत में आवृत है भगवान कहते हैं मैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं होते हुए भी नहीं हूँ क्यों क्योंकि जैसे वो अपने केंद्र से उसका संचालन कर सकते हैं सरल तरीके से हम ऐसे इस उदाहरण को ले लें और जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की योग शक्ति है तो अंतरंगा शक्ति की हमारी जो अधिष्ठात्री है वो हमारी श्रीमती राधा रानी कही है तो वो विषय हम किसी और दिन करेंगे पर अभी के लिए तीन विभिन्न शक्तियों की बात हुई है तो विभिन्न शक्तियों में तटस्थ बहिरंगा अंतरंगा बहिरंगा में हमारी महामाया आती है अंतरंगा शक्ति है हमारी लादनी शक्ति में हमारी श्रीमती राधा रानी होती है तटस्था शक्ति में समस्त जीव आ जाते हैं बद्ध जीव जो होते हैं तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं और चैतन्य चरितामृत में इन तीनों शक्तियों का बहुत ही विस्तार रूप से एक बार नहीं अनेकों बार वर्णन आता है क्योंकि वहाँ का विषय ही इस इस पूरे विषय से संबद्ध है तत्पश्चात श्लोक संख्या आठ में नूनम भगवतो ब्रह्म हरे अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्य भाती कविष्चा चेष्ट हे विद्वान ब्राह्मण भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं बहुत सारी कथाएं आती हैं ऐसी भृगु ने जाकर तीनों में कौन बड़ा है इस प्रकार की कथा आती है और जब भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी वहां से भी वो सृष्टि के इस उपक्रम को संचालित करने वाले महाविष्णु के पूरे जो कह सकते हैं कि जो व्याप्त उनका नेटवर्क था जाल था उसको पार नहीं कर पाते हैं और फिर वहीं पर उन्हें प्रणाम कर देते हैं दुर्वाशा ऋषि भक्तों की लीला को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान भक्त के प्रति कितने दयालु होते हैं तो विद्वान ब्राह्मण करके यहाँ पर संबोधित किया गया है सुखदेव गोस्वामी को और जब महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं क्यों अचिंत्य अर्थात चिंतन करके भी हम उच्च कल्पना के स्तर को नहीं प्राप्त कर पाते क्यों क्योंकि जो अनेक पंडित विद्वान अपने संपूर्ण समय को व्यय करके भगवान के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाए वो अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं उनका सामर्थ्य अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है तो शिल प्रभुपात सीधे वेद वेदांग से यहाँ पर उद्धरण देते हुए तात्पर्य में स्पष्ट रूप से लिखते हैं ये हमने पहले भी कहा है पर यहाँ पर हम प्रामाणिक रूप से इसे देख सकते हैं ने उद्धृत किया है है कि ये जो के है, ये, के है। ये जो ब्रह्मांड सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं ये जो ब्रह्मांड दिख रहे हैं हमें अनेकों अनेक जो तो जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी होते हैं उनके उतने सिर होते हैं तो जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं ये ब्रह्मा जी क्योंकि ये ब्रह्मांड चार युगों से संचालित हो रहा है चार युग के बाद एक छोटी प्रलय फिर उसके पश्चात बड़ी प्रलय वो आती रहती है तो इस युग के जो इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी जब, जब भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मा जी के उसमें आ, उनको इस बात का भ्रम हो गया कि वो ये जो बालक है ये कृष्ण नहीं है और इसलिए उनकी परीक्षा लेने गए और जब वो परास्त हुए तो वो भगवान से माफी मांगने आते तो देखते हैं कि वहां तो मुख वाले ब्रह्मा, है, पचास मुख वाले ब्रह्मा है, सौ मुख वाले ब्रह्मा है, और जब सब भगवान को प्रणाम कर रहे थे तो सबके मुकुट टकराने से कोलाहल का स्वर उत्पन्न हो रहा था तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है जिसमें हम सभी निवास कर रहे हैं और इस लीला को सुन रहे हैं इसलिए कहा जाता है कि भगवान हर क्षण कहीं ना कहीं प्रकट होकर वृंदावन की जो लीला है वो कर रहे होते हैं क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम की प्रियतम लीला है और हर उसमें ब्रह्मा अपनी कल्पना शक्ति से परे जाकर भी सोचे तो इस लीला को नहीं समझ सकता तो ये भाव दृष्टि नहीं है ये इसक, इसके इसके प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध है पर उसके लिए हमारे अंदर उतनी योग्यता अर्जित होनी चाहिए हम अगर कक्षा एक दो तीन के बच्चे को त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल कैलकुलेशन ये कैलकुलस ये सब समझाने लगेंगे तो ये सब उसके सिर के ऊपर से चला जाएगा तो हम सब भी अभी अध्यात्म की कक्षा में अपने आप को व्यक्तिगत रूप से अपने आप को मैं सिर्फ हम कह सकते हैं कि सिर्फ नर्सरी में है अभी तो तात्पर्य में कहते हैं कि यदि हम कल्पना कर पाए कि ये जो अनेकों नेक ब्रह्मांड है ये भगवान की सिर्फ भौतिक सृष्टि है ये आध्यात्मिक सृष्टि नहीं है ये सिर्फ भौतिक सृष्टि है तो ये जो भौतिक जगत है ये वास्तव में उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है तो हम क्या कह रहे हैं ब्रह्मांड अनेकों अनेक ब्रह्मांड ये जो भौतिक सृष्टि है उसकी उस वो है केवल और ये उनकी समस्त शक्तियों का केवल एक भाग है ये भौतिक सृष्टि क्यों क्योंकि शिल प्रोपात लिखते हैं कि तीन चौथाई वैकुंठ जगत है जिसका वर्णन भगवत गीता में धाम या सनातन धाम के रूप में किया गया है तो जब भगवान सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं ये ये केवल भौतिक जगत पर लागू होता है उनकी सृष्टि का तीन चौथाई भाग जिसे वैकुंठ लोक कहा जाता है वो ना तो सृजित होता है ना उसका विनाश होता है अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता तो भगवान अपने धाम में सदा सर्वदा निवास कर रहे हैं वहां उनका दिव्य नाम गुण लीलाएं पार्षद व्यक्तित्व ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन के रूप में उपस्थित हैं। जो बन रही है और बिगड़ रही है वो ये भौतिक सृष्टि है और इसीलिए भगवान के लिए कहा गया भगवान सिर्फ करुणावतार है वो सिर्फ अपने जीवों के अपने से दूर हुए जीवों की दशा देखकर उनको सिर्फ हर प्रकार की घटना जीवन में इसलिए देते हैं कि उन जीवों जीव की स्मृति पुनः स्थापित हो सके मेरे साथ और वो नित्य धाम में तीन चौथाई वाला जो वैकुंठ जगत है जो ना बन रहा है ना बिगड़ रहा है सदा सर्वदा सनातन धाम मत धाम के रूप में उपस्थित है वहां वापस जा सके हम क्या है हम क्योंकि भौतिक जगत में हमारे लिए हर चीज आरंभ होती है खत्म होती है संबंधों का लेन देन क्रय विक्रय ऊंचा नीचा छोटा बड़ा मान अपमान यश अपयश इस प्रकार से सोचने का उपक्रम है इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं हम भ्रमित होते हैं क्योंकि वास्तव में हम सब महामाया बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में होते हैं पर जो बहिरंगा शक्ति से ऊपर होने के लिए जब भगवान की पुस्तकों से भगवान के बारे में पढ़कर सुनकर जानकर भगवत प्राप्ति के लिए यूं यूं ही ही भगवत गीता के अध्याय भगवत प्राप्ति को इतना महत्वपूर्ण अध्याय नहीं कहा गया है उसको समझने के लिए हमें अन्य अध्यायों से प्रेरणा प्राप्त करनी होती है इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद को यूं ही भगवान कर हृदय नहीं कहा गया है उसको समझने के लिए कि भगवान जो अचिंत्य चिंत हमारे भेदा भेद से ऊपर जो है वो उपस्थित है और धरती पर आकर लीला कर रहे हैं उससे समझने से पहले हमें सृष्टि का प्रक्रम तो समझ में आना चाहिए अध्याय दो स्क दो का अध्याय चार तो समझ में आना चाहिए तो एक चौथाई भाग भौतिक जगत है जो बनता बिगड़ता है जहाँ भगवान खेल की तरह जैसे टॉयज हमने खिलौनों के लीगो से या किसी उससे कुछ बनाया फिर बिगाड़ दिया वैसे करते रहते हैं लेकिन एक सदा सनातन धाम है कहने के लिए जिस घर में हम निवास कर रहे हैं अगर ये ये बिल्कुल पर्याप्त उदाहरण नहीं है लेकिन आप विचार करके देखिए हम इस घर को प्रतिदिन बनाते बिगाड़ते नहीं है प्रतिदिन नहीं बनाते बिगाड़ते हैं और क्योंकि भौतिक जगत का है तो हम कह सकते हैं ठीक है दशकों में या शताब्दियों में बनते बिगड़ते होंगे पर जो खिलौने के घर बन रहे हैं वो प्रतिदिन बन और बिगड़ रहे हैं तो ये भौतिक जगत उन खिलौने के घर की तरह है भगवान की रचना में भगवान की सृष्टि में पर इसे समझने के लिए हमें निश्चित रूप से सही स्रोत से और सही मार्गदर्शन में इसको प्राप्त करना होगा शिल प्रभुपाद ने शास्त्रों का उद्धरण देते हुए कहा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए इन सब विषयों में ज्ञान प्राप्त करना अपर्याप्त है वो पूरी सृजित जगत के एक नगर ने अंश के अनुसार भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते उन्हें तो यह भी नहीं पता है कि सीमित आकाश, सीमित आकाश है है या असीमित है। कितनी दूरी तक फैला हुआ है कितने नक्षत्र हैं कितने लोक हैं या इन अनंत लोकों में कैसी स्थितियां हैं हमारी खुद की जो करेंसी है इस भौतिक जगत की मटेरियल वर्ल्ड की इस पृथ्वी के बे पे हम सभी अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों नगरों में निवास कर रहे हैं उनकी जब हम आ, मात्रा की बात करते हैं तो करोड़ों करोड़ अरबों खरबों रुपए और डॉलरों की बात करते हैं तो हम किसी प्रकार से एक मनुष्य पांच मनुष्य दस मनुष्य आठ मनुष्य को बहुत ही नियंत्रित उससे कंट्रोल करते हुए नियंत्रित वातावरण में किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचा पाते हैं तो हम अपने आप में अपनी शक्तियों में कितने सीमित है भगवान को समझने के लिए इसलिए हमें इस पर प्रत्यक्ष प्रमाण को कई बार लोग कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण अच्छा होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण को इसलिए हमारे यहाँ सबसे नीचे स्तर का बताया गया है शब्द प्रमाण पर इसलिए भरोसा तो जो शास्त्रों ने यहाँ पर लिखा है उस पर भरोसा किया क्यों क्योंकि शिला प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि वैज्ञानिकों का आधुनिक वैज्ञानिकों का इन सबके विषय में अपर्याप्त ज्ञान है परंतु जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने अपनी विभिन्न गणना के पश्चात जो जानकारियां हमें उपलब्ध कराई हैं, वो निश्चित रूप से व्यवहारिक है प्रामाणिक है जैसे भगवत गीता अध्याय नौ श्लोक संख्या पच्चीस में कहा गया है कि शरीर को त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में हमें जाने के लिए अपने आप को तैयार रखना होता है यानी देव व्रता देवान पितृनती पितृव्रता पेत्र भूतानि भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमां जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे तो इस प्रकार से भगवान की सृजनात्मक शक्ति के विषय में जानने का महाराज परीक्षित का जो यह वक्तव्य है वो ये बताता है कि महाराज परीक्षित को सृष्टि प्रक्रम के विषय में जानकारी थी वो सुखदेव गोस्वामी से भगवान की विभिन्न शक्तियों शक्तियों के बारे में इसलिए जानना चाहते थे, ताकि वो शक्तियों की जब महिमा होगी तो उससे भगवान की महिमा का पता चलेगा उससे हमें पता चलेगा कि ये जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव जिन्हें ब्रह्मा कहते हैं वो भी जीवों की उच्चतम गति को प्राप्त जो जीव है वहां तक स्थित है लेकिन अनंत के विषय में कल्पना करने की सोचने की और समझने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है जब तक वो अपने आप को भगवान की शरणागति में प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो व्यवहारिक रूप से महाराज परीक्षित यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करते हुए दिखाते हुए भक्त कुल में जन्म लेने के बाद पुनः पुनः और पुनः शब्द प्रमाण के माध्यम से उन सुंदर कथाओं और लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं जो भगवान ने अपने मुख से स्वयं निश्रित की है और परंपरा में आगे बढ़ाई है क्यों क्योंकि जैसे बच्चे एक ही प्रकार की कहानी को एक ही प्रकार की किताबों को पढ़ने में अपनी रुचि दिखाते हैं क्यों क्योंकि वो अपनी अपने उस भाव को उस कल्पना को दृढ़ कर लेना चाहते हैं तो एक भक्त के रूप में महाराज परीक्षित पुनः पुनः स्मरण इसलिए करते रहना चाहते हैं ताकि वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से उसको विस्मृत ना कर सके और वास्तव में आचार्य तो ये कहते हैं कि महाराज परीक्षित के माध्यम से वो ज्ञान आगे की पीढ़ियों में निशृत किया जा सके इसलिए यहाँ पर उपक्रम के निमित्त मात्र के रूप में महाराज परीक्षित ने स्वयं को स्थापित किया है तो महाराज परीक्षित जो भी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं वो वास्तव में भगवान के स्वभाव का प्रभाव देखने के लिए और जानने के लिए सुनने के लिए कह रहे हैं जैसे श्लोक संख्या नौ और दस में यथा गुणांस प्रकृति युग पत क्रमशोपी वीभर्ति भूष कर्माणी जन्म भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें विचिकित में तन में भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात पर भवान खलु कृपया इन सारे संशयप्रद विषयों का प्रश्नों का निवारण कर दे क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म में आत्म सिद्ध है अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं अतएव आप भगवान के ही समान हैं हमेशा कहते हैं कि सब में भगवान है सब भगवान नहीं है और भक्तों के लिए क्या कहा जाता है भक्तों के लिए कहा जाता है कि वे भगवान के हृदय में निवास करते हैं तो वे भगवान नहीं है शिल प्रभुपाद से किसी ने कहा था कि क्या आप मुझे भगवान, बना सकते है। तो ने था, मैं आपको भगवान नहीं बना सकता लेकिन मैं आपको भगवान से बड़ा बना सकता हूँ तो कहा तो हम कहते हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है और कहा शिला प्रभुपात कह रहे हैं स्वयं शिल प्रभुपात कहते हैं कोई नहीं है और कहा वो कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवान से बड़ा बना सकता हूँ कैसे भगवान से बड़ा क्या बनने का अर्थ हुआ कि मैं तुम्हें तो भगवान का भक्त बना सकता हूँ क्यों क्योंकि भगवान किसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं अपने भक्तों के सामने वो अपने किसी भी भगवान का कोई भी भेद यशोदा मैया कहती है सब लोग कहते हैं यशोदा मैया को सब लोग कहते हैं तुम्हारा लाला बहुत अद्भुत है तुम्हारा लाला जो है बिना किसी हथियार के और इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर देता है तो मैं यशोदा कहती है लाला ला, मेरे लाला को भगवान भगवान के उसे मेरे मुझे उसके स्नेह से और उसको मेरे स्नेह से वंचित ना करो तो मैया का भाव है कि भगवान होंगे किसी और के लिए ये तो मैं जो विष्णु शहस्त्र नाम और इस प्रकार के मंत्रों का जाप करती हूँ वो आके मेरे लाला की रक्षा कर रहे हैं तो भगवान के भक्त भगवान अपने भक्तों के सामने कभी उनसे बड़ा बनने के लिए नहीं दिख रहे हैं

भगवान की वाणी है वेदों का आध्यात्मिक ज्ञान जान लेने मात्र से भगवान को नहीं जाना जा सकता लेकिन उनके शुद्ध भक्त बनकर उनको सरलता से जाना जा सकता है जैसे कि भगवान के विभिन्न विस्तार जो हमने स्कंद एक में गुणावतार शक्तियावतार इन सब में पढ़े जहाँ पर श्री कृष्ण से बलदेव बलदेव से संकर्षण संकर्षण से वासुदेव फिर प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष तो वहाँ पर संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न ये विभिन्न पुरुष का विस्तार हुआ नारायण पुरुष अवतार हुआ फिर असंख्य रूप जो हमने पढ़े थे कम से कम सत्ताईस अट्ठाईस वहाँ पर शक्ति अवतार पढ़े सुखदेव गोस्वामी व्यास देव नारद मुनि ये सब उसमें आते हैं और जैसे एक केंद्र से पुनः हम आ, बिजली का जो आ, होता है जहां पर उसका उदाहरण ले वहां की ऊर्जा से असंख्य घरों में असंख्य बल्ब लाइट जो भी आप कहिए वो उनमें उजाला किया जा सकता है तो उसी प्रकार से असंख्य रूपों में ये विस्तार जो भगवान का होता है उससे एक से मुख्य स्रोत से अन्यों को प्रदीप्त किया जा सकता है ये भगवान की दिव्य शक्ति के रूप में तो वेद कथन कहते हैं कि भगवान पूर्ण है इतने पूर्ण है कि यदि उस पूर्ण मेवा वशिष्य तो भगवान की जो भौतिक अवधारणा है वो हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे और इसलिए संसारी विद्वानों के लिए भगवान रहस्य बने रहते हैं आप अगर हमें लगता है कि सब बहुत दार्शनिक बातें हो रही हैं इसमें व्यवहारिकता क्या है कैसे समझे कि भगवान पूर्ण बने रहते हैं तो सरल सा उदाहरण जो हमने लोक कथाओं में भी सुना है कि अः में एक बार एक कथावक्ता जो वक्ता थे वो आते हैं और वो भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं कहते हैं भगवान के जो बारे में जो जान लेता है वो भाव सागर से पार हो जाता है और एक महीने तक सुंदर कथा उन्होंने की थी तो वहां पर लोक कथा आती है कि एक बच्ची जो प्रतिदिन यमुना नदी पार करके आती थी अपना दूध दही माखन ये बेचने के लिए और वो ये कथा जाते समय जरूर सुनती थी ध्यान से और उस कथा को सुनकर उसे इतना अच्छा लगता था उसे लगा कि जब कथा समाप्त होगी तो मैं ये पंडित जी को अपने घर लेकर जाऊंगी उनका स्वागत सत्कार उनको जिमाना

अविश्वसनीय लगती है पर यहीं पर श्रद्धा तत्व आ जाता है और जब वो अंतिम दिन पंडित जी से कहती है कि चलिए और पंडित जी उसके घर जाने के लिए नदी के किनारे आकर नाव ढूंढने लगते हैं तो वो कहती है कि आपने तो कहा था भवसागर से पार हो जाते हैं आप ये नदी पार करने के लिए नाव क्यों ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने कहा था अरे ये तो तत्व की बातें हैं

जो पूरे वेद वेदांग के जानकारों को अचिंतनीय लगते हैं भक्तों को आसानी से समझ में आ जाते हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए कहा जाता है कि जब वो नाम जप करते थे राधा कुंड के जो आज तो राधा कुंड बहुत व्यवस्थित है पर उस समय बहुत जंगल थे वहां पर और ये करीब आज से 500 साल पहले की बात हो रही है और वहां पर उस समय सभी प्रकार के हिंसक जीव रहते थे तो कई बार हिंसक जीव भी थोड़ी दूर पर बैठ के उनके नाम जब को सुना करते थे आज के परिवेश में जब हम प्रकृति से इतने दूर हो चुके हैं तब शेर भाग भालू को अपने आसपास शांतिपूर्वक भगवान का नाम कथा सुनते हुए सुनना बहुत अविश्वसनीय बात लगती है लेकिन 500 वर्ष पूर्व की बात है और पुस्तकों में लिखी हुई है आचार्यों द्वारा आ, इसको उद्धृत किया जाता है तो अविश्वास और विश्वास की जो दूरी है वो जो दो अंगुल की दूरी कही जाती है भगवान पर कितना हमारा विश्वास है और उस विश्वास को समझते हुए हम कितना प्रयास करते हैं रामायण की कथा में आता है सुतिक्षण जब शालिग्राम को जामुन के फल से बदल देते हैं क्योंकि शालिग्राम उनका गिर जाता है जामुन तोड़ते हुए और जब गुरु आते हैं तो उनको कहते हैं कि इतना आप उनको रोज पानी में स्नान कराते हैं शालिग्राम जी गल गए हैं इसलिए वो अब जामुन के फल जैसे हो गए हैं और जब ऋषि उनको निकाल देते हैं उनके गुरु निकाल देते हैं और कहते हैं कि जाओ जब मेरा शालिग्राम मिल जाएगा तभी आना

तरीके से भगवान को समझना चाहेगा उसको भगवान बहुत समझ में आते हैं जब अपनी अपने आसपास की सृष्टि में हम भगवान की अपनी इस पूरी आसपास की सृष्टि में हमारी दृष्टि सिर्फ ये देखती है कि ये भगवान द्वारा निर्मित है तो वो सरल मन वो सहज मन भगवान को बहुत शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है अन्यथा वैदिक साहित्य में कोई कितना भी पंडित क्यों ना हो शिल प्रभुपात तात्पर्य में लिखते हैं वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म अर्थात भगवान संसारी विद्वान पंडितों दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य क्योंकि भगवत गीता में अध्याय 18 श्लोक संख्या चौवन में भगवान ने घोषणा की है कि जब कोई ज्ञान की अवस्था को पार करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है तो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए बिना भक्ति का अर्थ कोई आ, केवल युक्त भाषा नहीं कही जा रही है भक्ति की प्रक्रिया बताई गई है अर्थात उनके पवित्र नाम रूप लक्षण लीला इन सब को सुनना समझना नवधा भक्ति की विधियों का पालन करना तब आप भक्ति में जब प्रवृत्त हो जाते हैं तो भक्ति के बल पर भगवान को जाना जा सकता है गोस्वामियों की तो अनेकों अनेक हमारे षट गोस्वामी की अनेकों अनेक कथाएं हैं रोज अपना समय स्वयं को जो कुछ भी मिलता था हमारे गोस्वामियों को वो भगवान अपने अपने जो आराध्य उनके थे रूप में भगवान की जो जो विक्रह उनके पास था उनको यूं ही अर्पित कर देते थे और वार्ता आती है कि हमारे रूप सनातन गोस्वामी जी के साथ वार्ता आती है कि विग्रह ने कहा कि ये तो मुझे रोज रोज सूखी रोटी और नमक खिलाते हो तो विग्रह ने तो भगवान तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप स्वयं व्यवस्था कर ले मैं तो आपके बारे में इतना जानने के इतना पढ़ने जानने और प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हूँ तो ऐसा नहीं था भक्ति का भाव ये नहीं कहा जा रहा है कि ठीक है भगवान जैसे रख रहा हूं, वैसे रहो ऐसा नहीं था कि भगवान को सूखी रोटी और नमक खिलाकर गोस्वामी स्वयं जो है छप्पन भोग खा रहे हो अर्थात वो भगवान के बारे में जानने पढ़ने सुनने और लोगों को सुनाने में इतने व्यस्त थे कि उनको अपने जो जो वो भगवान को अर्पित करें जो मिल गया वो भगवान को अर्पित कर दिया और जो अर्पित किया वही स्वयं भी खाया उन्होंने तेईस तेईस घंटे हमारे गोस्वामियों ने वृंदावन में जाकर अपना समय व्यतीत कर, कर के को दिया है समीप जा सकते हैं तो कई 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 ऐसे सेठों के कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि कैसे भगवान स्वयं व्यवस्था करके मंदिर बनवाते हैं छत बनवाते हैं कोई गोस्वामी जाकर किसी से कोई प्रार्थना नहीं करने गए थे उस समय के लिए उनको लेकिन ये भक्त का सहज भाव है तो विषय पर वापस आते हैं यहाँ जब जब भी जब भी श्लोकों से एक या दो पंक्ति बिल्कुल ऐसे सत्य के साथ प्रस्तुत की कर दी जाती है है तो तब हमारा मन हमेशा कुतर्क की तरफ चला जाता इसलिए इन सारे उदाहरणों को यहाँ पर दिया गया कि किसी संवेदना युक्त केवल कहीं ये मेरे लड्डू गोपाल है करके बैठने की बात नहीं हो रही है उनके साथ जो शास्त्रों में निर्दिष्ट गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग है उसका अनुपालन करने की बात की जा रही है यदि हमारी इंद्रिया इतनी दीक्षित हो जाए कि वो सदा सर्वदा सभी प्रकार से भगवान के द्वारा दिए गए आदेश उनके द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य को करते हुए समस्त समर्पित कर रहे हैं तो उसे भक्ति कहा गया है और ये नहीं कि भगवान के लिए अलग विषय अलग भोग और हमारे लिए अलग विषय और अलग भोग इसे भक्ति नहीं कहा गया है तो सहजता और सरलता और निर्मलता का जो विषय यहाँ पर कहा जा रहा है वो सम्यक तरीके से शास्त्र गुरु और भक्तों के संग में रहकर अनुपालन करने के लिए कहा जा रहा है और जितने भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं उन सभी ने इसका पालन किया है इसलिए हम परिणाम रूप में आज ये कथा सुन पा रहे हैं आगे श्री सुद गोस्वामी इस प्रकार जब महाराज परीक्षित ने उनके भगवान की सृष्टि के बारे में उनकी शक्तियों के समूह के बारे में प्रकृति के संचालन के बारे में ये प्रश्न किए कि किस प्रकार से वो ये सब कुछ करते हैं तो अब सुद गोस्वामी जो उद्धृत करते हैं श्लोक संख्या ग्यारह में सूत गोस्वामी कहते हैं सूत उवाच इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सूत गोस्वामी ने कहा जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी

जिसकी बात कर रहे हैं भक्ति में अपने आप को समायोजित करने की वो एक निर्दिष्ट प्रक्रिया से आनी चाहिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी परम हंस है परम भक्त भागवत है यहाँ पर और वो गुरु के रूप में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं शिष्य द्वारा ये पूछे जाने पर वो तुरंत ही अपनी आत्मुग्धता प्रशंसा या अन्य किसी प्रकार के लौकिक विकार से ग्रसित नहीं हुए कि मैं कितना महान हूँ मुझसे भगवान के बारे में पूछा जा रहा है अगर महाराज परीक्षित का प्रश्न उस स्तर का है तो जिनसे वो पूछ रहे हैं उनका स्वयं का स्तर कितना उच्च होगा हम इस विषय को यहां, इस श्लोक से समझ सकते हैं क्योंकि गोस्वामी कहते हैं कि जब महाराज ने ये प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना की है भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करने के लिए उन्होंने पहले भगवान को ठीक से स्मरण किया है तो हम सबको ये स्थिति निश्चित रूप से अवगत रहनी चाहिए कि यदि किसी का वाक शक्ति माता सरस्वती की कृपा हो और वाक शक्ति बहुत प्रबल और उसे लगे कि वाह प्रशं वर्णन भगवान का करके प्रशंसा स्वयं के लिए अर्जित करने का भाव आ जाए तो उसी समय जीव भौतिक विकार से ग्रसित हो चुका होता है सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर स्मरण किया है ठीक से शब्द प्रयोग हुआ है अनुवाद में प्रोपाद लिखते हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया ये नहीं कि औपचारिकता ये नहीं कि सब भगवान की कृपा है और इस प्रकार के जो हम जब हम वक्तव्य देते हैं वो हमारे अंदर से स्फुटीकरण होना चाहिए उसका वो केवल शब्द मात्र कहने के लिए नहीं होते हैं वो निश्चित रूप से अपने स्वयं की ईमानदारी से प्रस्तुत होने चाहिए तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ भगवान का ठीक से स्मरण करते हैं क्योंकि इंद्रियों के स्वामी भगवान उन्हें ऋषिकेश है भगवान का नाम जिन्हें इंद्रियों के स्वामी कहा गया वो उन्हें सही शब्द बोलने की प्रेरणा दें आप देखेंगे कई आचार्य हमारे स्कॉन में अः शिल प्रभुपाद की परंपरा में जब अपना संबोधन आरंभ करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान हमें वो शब्द बोलने की प्रेरणा दे जिससे विषय सही प्रकार से सत्यता पूर्वक प्रस्तुत करते हुए सामने वाले की समझ में आ जाए तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा उपयुक्त उत्तर देने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया इसीलिए गोस्वामी के वक्तव्य सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए वर्णन और अन्य आचार्यों के द्वारा अन्य भक्तों के जो अभी आते जाएंगे इस भागवतम की यात्रा में कहीं किसी का भी उद्देश्य स्व नहीं है जो भी है वो भगवान के लिए और भगवान का उद्देश्य भी भगवान की लीला से भक्तों के प्रति भगवान कितने कितना प्रेम रखते हैं स्नेह रखते हैं होता है और भग, भक्तों की लीला से भक्त भगवान के प्रति कितना समर्पण रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देने के लिए हैं और ये भक्ति का स्तर होता है स्व प्रशंसा किसी को नहीं चाहिए भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखाते वृंदावन में कि मैं कितना बड़ा अः पराक्रमी हूं और ना ही ब्रजवासियों को ये चाहिए था तो विषय पे वापस आते हैं महाराज परीक्षित के प्रश्नों को कहते पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी स्वामी ने इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया है ठीक प्रकार से ताकि अनुमति ले रहे हैं वो, जो कुछ भी भगवान के से वो कहने जाए वो जो भौतिक जगत में बद्ध जीव बनने के क्रम में चार प्रकार के जो दोष होते हैं उनसे मुक्त होते हुए वो प्रस्तुत कर सके तो इसलिए आप देखेंगे जब 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 हम इस प्रकार का वर्णन करेंगे भागवतम में श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में समझने का हम प्रयास करेंगे तब-तब हमें भगवान की स्तुति मिल जाती है सुन उनकी महिमा को हम पुनः स्मरण कर सके ऐसा आचार्य हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं और श्रील प्रभुपाद लिखते भी है तात्पर्य में किसी भी कार्य को मनुष्य कभी भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए भी मुक्त नहीं है किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान से अनुमति बोलने से पहले खाने से पहले सोने से पहले उठने से पहले जब मनुष्य अनुमति लेकर कार्य करना सीख जाता है तो जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता है वो भगवान की कृपा होती है जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता है तो हमें कई बार लगता है पहले हमारी हमारे संस्कारों में हमें बताया गया नया कपड़ा खरीदा जाए नया वाहन खरीदा जाए नया कुछ भी तो क्या भगवान की वहां पर पूजा की जाती है भगवान को अर्पित किया जाता है तो इसी इसी भाव को ये ये भक्ति का स्तर होता है इसी भाव को यहाँ पर उद्धृत करते हुए कि भगवान से अनुमति लेना चाहिए क्योंकि स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए जीव वास्तव में मुक्त नहीं है अगर वो अपने आप को मुक्त करेगा तो वो इस भौतिक जगत में सदा सर्वदा के लिए बधा रह जाएगा तो अब सुखदेव गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं शुरू आरंभ कर रहे हैं शीशुकवाच नमा परस्मै पुरुसाय भूयसे सदुद्भवस्था निरोध लीलया शक्ति त्रियाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष वर्तमनी सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण है और उनकी गतियां अचिंत्य है तो पहला प्रश्न था महाराज परीक्षित का कि भगवान की शक्तियां आ, कितनी किस प्रकार से उनकी शक्तियों का वर्गीकरण किया जा सके और सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रार्थना करते समय कहते हैं मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए सृष्टि जो हो रही है निर्माण जो, जो हो रहा है वो भौतिक जगत का हो रहा है संघार जो हो रहा है वो भौतिक जगत का हो रहा है वैकुंठ जगत सनातन धर्म है तीन चौथाई भगवान की जो रचना है वहां है और संघार और सृजन यहां पर हो रहा है तो उस जगत संपूर्ण जो भगवान के अंदर क्षेत्र आता है उसमें से जैसे एक नगर में हमने ये उदाहरण पहले भी दिया था एक नगर में यदि पुस्तकालय होता है तो वहाँ पे कारागार भी होता है उस नगर में ताकि जो सही प्रकार से व्यवहार ना कर रहे हो उनको यहाँ पर डाल दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में जो भौतिक जगत है ये वास्तव में कारागार है हम बंधे हुए हैं अगर अगर हम हम कैदी ही कहे जाएंगे चाहे हम सोने की जंजीर से बंधे हो चाहे चांदी की जंजीर से बंधे हो चाहे हम लोहे की जंजीर से बंधे हो तो चाहे हम पाताल लोक में हो चाहे हम भूलोक में हो चाहे हम स्वर्ग लोक में हो हम बंधे हुए ही हैं सोने की जंजीर से चांदी की जंजीर से लोहे की जंजीर से कैदी हैं हम नित्य जगत से जीव बद्ध जगत में भेज दिए जाते हैं जब उनके व्यवहार में किसी प्रकार की शुद्धता में कमी आ जाती है और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस सृष्टि जहां जहाँ इस कार, के, कारागार में जहां वो शुद्धता के लिए जीव को भेज रहे हैं, उसके निर्माण के लिए भगवान प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं

भौतिक जगत में तीन गुणों को इस प्रकार से विस्तार रूप में स्वीकार करते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसे हम कह सकते हैं जिसे हम हमेशा क्या कह देते हैं सत रज और तम के गुणों की अभिव्यक्ति ये भौतिक जगत क्या है रज और तम के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है उसके पश्चात क्योंकि यहाँ स्तुति ही चल रही है अभी यहाँ पर भगवान की सृष्टि नहीं समझाई जा रही है कहा जा रहा है कि जिन महाराज परीक्षित शक्तियां पूछी तो तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप जिन शक्तियों को समझना चाहते हैं वो शक्तियां भगवान का ही उपक्रम है इस भौतिक जगत के लिए वो इस प्रकार के तीन श, शक्ति समुच्चय को भौतिक गुणों के उपक्रमों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं उसके पश्चात श्लोक संख्या तेरह में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी भूयो नम सद्र सताम असंभवायाखिल सत्वमूर्त पुंशा पुनः पार महंश्याश्रमे व्यवस्थिताना मनुमृग्य दाशुसे मैं पुनः पूर्ण पुन जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले स्तुति हो रही है भगवान की उनसे आज्ञा ली जा रही है कि उनके बारे में कुछ अभिव्यक्ति दी जा सके सुखदेव गोस्वामी द्वारा और एक एक श्लोक में उत्तर दिया जा रहा है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए जो पूर्ववत पूछे पूर्व में पूछे गए प्रश्न उसका उत्तर तो किस प्रकार वो प्रकृति को संचालित करते हैं महाराज परीक्षित का प्रश्न था और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कह रहे हैं कि मैं पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ जो क्या करते हैं भक्तों को उनके संकट से मुक्ति दिलवाते हैं अभक्त असुरों को जो कि नास्तिक मनोवृत्ति के हैं उनकी वृद्धि को नष्ट करने वाले हैं भक्तों को उद्धार देंगे जो अध्याय चार भगवत गीता श्लोक संख्या सात आठ नौ में जब भगवान कहते हैं तो वो क्या कहते हैं परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतम तो वे भगवान सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्ध प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद पर अभिसिक्त करते हैं उनको वो पद प्रदान कर प्रदान करते हैं जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रदान किया तो भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति ये जो अलग-अलग प्रकृति के दो रूप हैं इनमें भगवान की भौतिक में बहिरंगा शक्ति आध्यात्मिक में अंतरंगा शक्ति भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है तो भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है वे पूर्ण ब्रह्म है लेकिन जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके पर, रूप से परिचित नहीं होते हैं वो समझते हैं भगवान के दिव्य स्वरूप से वो परिचित होते हैं और इसलिए भगवान को क्या प्रिय है भगवान को वो भक्त प्रिय है जो भगवान की दिव्य प्रकृति को समझते हैं तो दोनों तरह के क्योंकि जब भगवान के तो और कुछ है ही नहीं तो भगवान स्वयं जैसे जब चेस का गेम चल रहा होता है तो यदि दो खिलाड़ी नहीं है तो व्यक्ति स्वयं ही व्हाइट से भी और ब्लैक से भी सफेद और काले से दोनों से अपनी तरफ से ही खेल लेता है तो भगवान यहाँ पर यदि हम कुंती महारानी की प्रार्थना को भी स्मरण करें शिल्य प्रभुपाद उद्धरण में कहते हैं यहाँ तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं कि कैसे कुंती महारानी को भी इसकी स्पष्ट अनुभूति थी कि परमहंस लोग भगवान को वास्तव में जान पाते हैं सही प्रकार से समझ पाते हैं संन्यास की अवस्थाएं और विभिन्न प्रकार के वहां पर उपक्रम बताए गए थे लेकिन जो सार है वो ये है कि केवल और केवल भक्त भगवान भक, भक्तों के उद्धार के लिए भक्तों को समझने और समझाने के लिए, भक्तों के साथ लीला करने के लिए भगवान इस प्रकार का उपक्रम बनाते हैं जिसमें प्रकृति दो भागों में विभक्त होती है भौतिक और आध्यात्मिक और जो भक्त जब किसी भी किसी भी प्रयोजन से किसी भी प्रकार के उद्यम से तनिक भी यदि किसी उनके नित्य जगत के जीव में किसी भी प्रकार की अशुद्धि किसी भी प्रकार का भाव होता है तो उसको तुरंत भौतिक जगत में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको वहां पर उसका निष्कासन हो चुका होता है और तब इस भौतिक जगत की सृष्टि को भगवान संचालित करते हुए श्रीमद भगवद गीता अध्याय चार श्लोक संख्या ग्यारह में भगवान कहते हैं ये यथाम प्रपद्यंते हैं जो जिस प्रकार का मनोवांछित लक्ष्य अपने लिए नियत करता है इस भौतिक जगत में वो उस प्रकार की गति प्राप्त करता चला जाता है तो सार तो सिर्फ इतना ही है हमें समझने के लिए जैसा हम भा, हम स्वयं के साथ भी अगर सरल रूप में देखें जो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा हम उसको उसके प्रति हमारे सकारात्मक विचारधारा होती है जो हमारे साथ अः अनर्थकारी बातें करेगा उसके साथ हमारी नकारात्मक विचारधारा होती है तो ये सब कुछ हम स्वयं से स्वतंत्र रूप से नहीं व्यवहार कर रहे हैं ये सृष्टि का इस प्रकार का मनु, जो मनोवृत्ति है वो ही निर्धारित की गई है इस प्रकार से इसलिए हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होता है तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के ये दो प्रथम श्लोक थे श्लोक संख्या तेरह तक श्लोक संख्या चौदह से हम लोग अगले सत्र में इसको आगे समझेंगे कि, कि किस प्रकार स्तुति करते हुए सुखदेव गोस्वामी जो स्वयं में परमहंस है महाराज परीक्षित के प्रश्नों का एक, -एक श्लोक के उस से उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं शिल प्रोपाद की जय शिल गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय